है ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन इज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन नाउ डेली के बेसिस पर हम पेज वाइज डिस्कशन करते हैं और हर एक पेज से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या कोई मेंस का एग्जांपल हो वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हिंदू एनालिसिस की सबसे यूनिक चीज़ यही रहती है कि हम जो भी डिस्कशन करते हैं वो आपको नोट्स भी शेयर करते हैं नाउ दूसरा डेली के बेसिस पर हम एक आंसर राइटिंग भी करते हैं वो करेंट बेस्ड भी रहती है और यू पी एस सी प्रीवियस ईयर के बेसिस पर भी रहती है बट विदाउट मूविंग फर्दर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सर्च बॉक्स में आपने टाइप करना है ऐट द रेट पी आर पब्लिकेशन तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे ना यहाँ पर डेली के बेसिस पर एक मेन्स का क्वेश्चन हम शेयर कर देते हैं उसकी कॉपी शेयर कर देते हैं तो यानी कि मेन्स का आपका फ्री में जो है मटेरियल प्रिपेयर हो जाता है आप पी आर पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं पी आर पब्लिकेशन के तीन पेड कोर्सेज हैं ईयरली प्लान फॉर नाइनटी नाइन रुपीज जिसमें पूरे एक साल तक द हिंदू के नोट्स डेली आंसर राइटिंग एनसीआर सिक्स टू ट्वेल्थ चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे फोन गाइडेंस आप कॉल कर सकते हैं कभी भी दो हजार बाईस तक मिलेंगे और प्रीवियस मंथ के भी मिलेंगे दो हजार बीस से ईयरली प्लान एन सी आर टी टेस्टरीज ले सकते हैं ये सब इंक्लूडेड है और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो बेस्ट है क्वालिटी कंटेंट यूपीएससी पी सेट वीडियो कोर्स है ये भी फोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ का है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आंसर मिलेंगे पंद्रह से ज़्यादा वीडियोस होंगी तीस मिनट से ज़्यादा सभी की लेंथ होगी और जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी इजीली सिक्सटी सिक्स प्लस मार्क्स ईजली क्रैक कर पाएगा ये सभी मटीरियल कैसे लेने हैं सेम ही नंबर है सभी पे आप इसी नंबर पर गूगल पे फ़ोनपे कर सकते हैं जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट शॉट से नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं और कोई डाउट के लिए इसी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं तो सबसे पहली न्यूज़ आती है ओवर सिक्सटी परसेंट ओ बी पोस्ट वैकेंटीन इन आई यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो इलीट सबसे बड़े इंस्टीट्यूट हैं हमारे भारत के तो उनमें ही जो पोस्ट हैं वो खाली हैं फैकल्टी की पोजीशन तो खाली है रिजर्व फॉर द ओ बी सी इन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इवन जो बच्चे हैं उनकी पोस्ट भी यहाँ पर खाली है सो वे आर मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ एस सी ओ बी सी रिजर्व पोजिशन ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट ऑफ पोजिशन रिजर्व फॉर एस टी शेड्यूल्ड ट्राइब फिल्ड अब यहाँ से जनरली बात क्या आती है कि देखिए प्राइमरी सेकेंडरी और हायर उसमें ठीक है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर एस सी एस टी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इंकरेज किया जाता है कि आप इसको ज्वाइन करो पर उसके बाद अगर आप देखोगे हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन जैसे आई आई टी आई एम ट्राइब के लोगों को इनकेज किया ही नहीं जाता तो यहाँ पर कोई भी ऐसी इंसाइट नहीं दी गई है कि क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह रहती है कि शेड्यूल ट्राइब को हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट नहीं किया जाता तो एक मुद्दा यहाँ पर हमारा मेंस के लिए मिल गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को हायर एजुकेशन के लिए भी इनकरेज करना चाहिए जैसा प्राइमरी लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर हम करते हैं प्राइमरी लेवल पर तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलता है कि आपको करना ही पड़ेगा छः से चौदह वर्ष की एज तक सभी को आपको शिक्षा देनी पड़ेगी बट उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए शेड्यूल ट्राइब के के लोगों को फिर से इनकरेज हमें करना चाहिए राइट right. एक सबसे बड़ा बिल आ रहा है देखिए मैं ज़्यादा इसको पॉलिटिकल नहीं कहूंगा न्यूज़ ठीक है और ज़्यादा पॉलिटिकल भी नहीं बनाऊँगा बट जो न्यूज़ है उसको उसी तरह पेश करूँगा एक बिल पेश किया गया जहाँ पर डिफाइन किया गया डेली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर मूव्ड इन द दे लोकसभा हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बिल मूव किया पास किया अभी बिल लाया गया है लोकसभा में जनरली जो प्रपोज करेगा गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली मी द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ डेली जो सरकार है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली में उसका मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ डेली अब इसका कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब ये है कि बिल ने पावर दे दी है गिव्स डिस्क्रिशन डिस्क्रिशनरी पावर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर इवन इन मैटर वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डेली इज इम्पॉर्टेंट टू मेक लॉस देखो सबसे बड़ी बात है जिस जगह पर ऐसे कानून हैं जो दिल्ली मतलब के ले मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार कानून बना सकती है अब यहाँ पर बिल अगर पास हो जाता है तो बिल एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है मतलब गवर्नर अपने मन की कर सकते हैं यहाँ पर उसमें अपने कानून भी बना सकते हैं दिल्ली बनी कब थी 1991 में यूनियन टेरिटरी बनी थी जिसके पास लेजिस्लेचर होगा यहाँ पर एम होंगे आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए ए, ए ए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया इंसर्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइन वन में यहां पर डेली को पावर दे गई थी कि आप सब चीज में कानून बना सकते हो एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर पुलिस या लैंड में आप नहीं बना सकते हो बाकी हर जगह पर आप कानून बना सकते हैं बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अभी एक ऐसा कानून लेके आई है एक ऐसा बिल लेके आई है जहां पर एल को डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई है अब ऐसा क्यों हो रहा होगा सोचो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यार अरविंद केजरीवाल की सरकार है आम आदमी पार्टी सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है अपनी बीजेपी गवर्नमेंट अब बीजेपी गवर्नमेंट जो भी कानून लेके आती है या जो भी प्रपोजल लेके आती है वो आम आदमी पार्टी तुरंत ही रिजेक्ट कर देती है तो मैं जैसा बोला मैं पॉलिटिकल नहीं जाऊंगा बट एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं कि अगर सेंटर में अलग पार्टी है ऐसा आपको स्टेट में भी देखने को मिल रहा है मैं सिर्फ यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूँ या डेली की बात नहीं कर रहा हूँ सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है किसी एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर भी बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं तो सोचो तो ये तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है ये नेशनल कैपिटल रीजन ही है मतलब इंडिया की कैपिटल ही है तो जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं जो दूसरी कंट्री के साथ किए जाते हैं वो सेंट्रल uh, लेवल के uh, मतलब ये डेली के बेसिस पर भी होते हैं तो कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता तो यही एक रीज़न रहा है जिससे कि uh, जो है गवर्नर पूरी तरह काम कर सकते हैं ओके नाउ यहाँ पर हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ही बिल मूव किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट सेंट्रल स्टेट रिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरीज का ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी तभी तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही बिल इसको आ, जो है मूव किया है मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ठीक है जनरली ये चीज़ याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्या क्या फंक्शन है इंटरनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी तभी एम ने ही ये मूव पास किया है दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये भी करती है कि यार अगर किसी स्टेट को दिक्कतें आ जाए एक्शनल से तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी ठीक है तो यहाँ पर यही आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, से रिलेटेड दूसरा कल हम डेली के बेसिस पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल पढ़ते आए हैं आप लोगों को ये बताना है इसका हेडकॉर्टर कहाँ पर है वीडियो को पॉज करके अभी हुआ क्या संयुक्त किसान मोर्चा आ, लीडर्स दर्शन पाल रेज द इशू ऑफ इंडियन कॉन्टिटियस फार्म रिफॉर्म लॉज अब यहाँ पर यही बात की जा रही है कि यार यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में कि जो केंद्र सरकार को तीनों फार्म लॉज रिपील करने चाहिए तो दर्शन पाल जी यहाँ पर इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में उठाते हैं इंडिया सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन की ऑन द राइट ऑफ पीस एंड सो इंडिया को कमिट भी करना चाहिए और किसान छोटे किसानों को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए दूसरा यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन इंसिस्ट करती है कंट्री को कि आप अगर कोई कानून लाते हैं तो यार किसानों से कंसल्ट कर लीजिए ऐसा यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन में लिखा गया है दूसरा जल्दी में रिविजन कर लेते हैं यू का पाकिस्तान करेंटली सर्व कर रहा था दो तक फिर से री हो चुका है एक जनवरी दो से इसका टर्म शुरू होगा तीन साल के लिए ठीक है स्टेब्लिश हुआ था 2006 हजार छह में हेडक्वार्टर जीनेवा स्विजरलैंड में है, प्रोटेक्ट कर देगा मानव अधिकार को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सत सैंतालीस मेंबर है इलेक्टेड फॉर स्टेगर्ड थ्री ईयर टर्म तीन साल के लिए चुने जाते हैं पाकिस्तान रिलेक्ट हुआ ये चीज याद रखना पांच ग्रुप के मेंबर होते हैं अलग अलग जगह से पांच रीजनल ग्रुप हैं अफ्रीका एशिया पैसिफिक लैटिन अमेरिका करेबियन वेस्टर्न यूरोपियन और ईस्टर्न यूरोपियन से ठीक है और सेशन इसके होते रहते हैं रेगुलर सेशन होते हैं एक साल में तीन बार होते हैं मार्च जून और सेप्टेंबर में ये चीज़ याद रखना काउंसिल ऑल्सो कैरीज आउट द यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट विच अलाउ सिविल सोसाइटी ग्रुप टू ब्रिंग एक्वशन ऑफ ह्यूमन राइट वॉयेशन इन मेंबर स्टेट टू अटेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ये भी देखने को मिलता है कि किसी एक कंट्री में अधिकार का वॉयेशन तो नहीं हो रहा आज के अगर हम एडिटोरियल आपको शो करेंगे तो आज के एडिटोरियल बिल्कुल भी काम के नहीं है सभी जो एडिटोरियल है देखिए यहाँ पर ये केरला की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है दूसरा ये मार्क्सिस्ट की है यहाँ पर भी ये पॉलिटिकल यहाँ पर ये देखने को मिलता है ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि किस तरह से कैपिटलिज्म में क्या होता है सोशलिज्म में क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे बट यहाँ पर क्या है मार्क्सिस्ट के थॉट क्या है किस तरह से वो सोसाइटी को चाहते थे ठीक है यहाँ पर इरेलीवेंट से फैक्ट यहाँ पर लिखे गए हैं ठीक है तो ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे राइट right? हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल अब इस एडिटोरियल में हाल में ही क्या किया गया था कल हमने देखा था कि जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं आ, वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हो सकते ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है क्योंकि स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव कराते हैं रूरल आ, रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ के ठीक है बट कभी कभी लोकल बॉडीज़ में हमें क्या देखने को मिलता है कि यार आर्बिट्रेटरी डिलिमिटेशन करते हैं वार्ड्स में रिजर्वेशन अपने बेसिस पर चेंज कर देती है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है बट ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कभी कभी क्या होता है जो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट रहती है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट रहती है उस पर चेंज हो जाता है फिक्सिंग डेट फॉर इलेक्शन बिकम मायर्ड इन द कॉन्ट्रोवर्सी एज ए रिजल्ट तो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि स्टेट इलेक्शन जो कमिश्नर होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए नहीं ना कि ऐसा कि कोई ब्यूरोक्रेट हो गया तो इस पर आर्टिकल एक का यूज़ किया संविधान का और कोर्ट ने सभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि आप हु आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट जो आप डायरेक्ट कंट्रोल में हैं राज्य सरकार के आप अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर लीजिए इन प्रैक्टिस मोस्ट स्टेट अपॉइंट रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एस एस सी सभी सरकारों ने सभी राज्य सरकारों ने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को ही जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया था जो कि गलत है नाउ गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अभी कोई ऐसा हो जो इंडिपेंडेंट जो है एस की तरह है, उसको चुना जाएगा ना कि पुराने ब्यूरोक्रेट्स ठीक है तो एस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बारे में स्टेट इलेक्शन कमीशन टॉपिक कवर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट रिडर्सल मैकेनिज्म स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है बहुत सिंपल है हमारे संविधान में स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है उसमें एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं और दूसरे जो है कमिश्नर हो सकते हैं वो गवर्नर की रिकमेंड करके उनको अपॉइंट किया जा सकता है ठीक है अब ये क्या करते हैं पंचायत के इलेक्शन को अपहोल्ड करते हैं और म्यूनसपैलिटीज़ के पंचायत के 243 के में और म्यूनसिपैलिटीज़ के 243 फोर्टी जेड ए में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होंगे वो गवर्नर अपॉइंट करेंगे टू फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया टू फोर्टी थ्री सी थ्री में क्या होगा ये रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की आप अगर एक्स्ट्रा स्टाफ आपको चाहिए तो ठीक है टू फोर्टी थ्री की में एस सी सी ऑलमोस्ट आर्टिकल वो इलेक्शन कमिश्नर की तरह होते हैं तो यहाँ पर वही दिया गया है आर्टिकल के बारे में बताया गया है ठीक है आर्टिकल आप अपने बेसिस पर ये मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको ठीक है समझ में आ जाएगा बट आपको ये बार बार याद करने पड़ेंगे कि इस आर्टिकल में क्या है हालांकि यूपीएससी में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा बट स्टेट पी जिस भी आप राज्य के हैं वहाँ पर डायरेक्टली पूछा जाता है जैसे आर्टिकल टू ओ में कॉन्स्टिट्यूशन बार्स इंटरफेरेंस इन द पोल मैटर सेट इन मोशन बाई द एस सी सी आर्टिकल थ्री ट्वेंटी नाइन बार इंटरफेरेंस सट मैटर सेट इन मोशन बाई इलेक्शन कमीशन वही कि कौन संविधान ये कहता है कि कोई भी अगर ऐसे इलेक्शन करवा रहे हैं तो ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान इस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता ठीक है बाद में आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं जब एक बार जो है इलेक्शन हो जाते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं आपकी किस तरह से कंडक्ट किए गए बट ड्यूरिंग नहीं करेंगे आगे आर्टिकल पढ़ाने से पहले एडिटोरियल पढ़ाने से पहले मैं आपको पोक्सो एक्ट के बारे में बता देता हूँ जनरली आपको यही पढ़ना है यू जनरल स्टडीज़ पेपर टू गवर्नमेंट लॉज फॉर वेमेंस पोक्सो एक्ट आता है चौदह नवंबर दो हज़ार को स्पेशली ये देखता है कि अगर कहीं पर चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे हैं तो उसको जो है पकड़ना उसको पनिश करना राइट ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव कानून है पूरे भारत में जो जनरली चिल्ड्रन के साथ सेक्शुअल अब्यूज को रोकता है एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन है जनरली छियालीस प्रोविजन है इंक्रीज द स्कोप ऑफ रिपोर्टिंग ऑफेंस अगेंस द चिल्ड्रन पहले क्या होता था चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्शुअल असल्ट को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता था बट इसमें इतने अच्छे अच्छे प्रोविज़न हैं जो इवन इंडियन पिनल कोड भी कवर नहीं करता इंडियन पिनल कोड क्या होता है कहीं पर किसी चीज़ की डेफिनेशन हो है ना वो आई में लिखी होती है जैसे किसी एक्स पर्सन ने किसी वाई पर्सन का मर्डर कर दिया तो मर्डर की डेफिनेशन क्या होगी वो आई में लिखी गई है रेप की डेफिनेशन क्या है किडनेपिंग की डेफिनेशन क्या है आई में यानी कि जो आई में भी प्रोविज़न नहीं है चिल्ड्रन के लिए वो पोक्सो एक्ट में कवर है ओके जिसमें पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असोल्ट लिखा गया है टू इंक्लूड पनिशमेंट फॉर अब्यूज़ बाई ए पर्सन इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी इंक्लूडिंग पब्लिक सर्वेंट अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है पुलिस है आर्म फोर्सेज ऐसे सेक्शुअल असोल्ट करते हैं उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं इट ऑल्सो डिफाइन द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेज किस तरह से केसेज को आपने रिपोर्ट करना है वो प्रोसीजर मैंशन है यहाँ पर अगर कोई फॉल्स कंप्लेन करता है उसके लिए भी पनिशमेंट है ठीक है अब 2019 में जो 2012 में लाया गया था उस पर दो में कुछ चेंजेस किए कि यार चल कुछ चेंजेस करने चाहिए ताकि हम पोक्सो को और स्ट्रांग बना सकें अब इसमें है कि पनिशमेंट फॉर एग्रीगेटेड पेनेटेटिव सेक्शुअल असोल्ट टू इंक्रीज इन इंक्लूड डेथ पेनल्टी तक भी दी जा सकती है जिसमें पहले दस साल की सज़ा होती थी अब वही बीस साल की सज़ा यहाँ पर दी जाएगी टाइटन करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से पहले तो यही था कि यार आप अगर आपके फोन पे पोर्नोग्राफी है और आप, आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट होगी बट अगर आप आपका इंटेंशन नहीं भी है आपके फोन पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है 2019 में ये सुधार किए गए ठीक है यहां पर एक्ट ने एक वर्ड रिमूव किया कॉमनल और सेक्टेरियन वॉलेंस से तो जनरली जो वर्ड है उसको रिप्लेस किया गया वायलेंस ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेटी मतलब नेचुरल क्लाइमेटी या सिमिलर सिचुएशन में कभी ऐसे असोल्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं कहीं फ्लड आ गया तो इस दौरान भी सेक्शुअल असल्ट किए जाते हैं ठीक है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा तो इसको रिमूव किया गया इस वर्ड को ठीक है पहले क्या था कॉम्यूनल और सेक्टेरियन वायलेंस इस टर्म को नेचुरल क्लाइमेटी से रिमूव किया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो कहता है कि यस अभी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं बट बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं ये चीज़ याद रखना ये थोड़ा सा इस पर चेंज करना पड़ेगा द डिले ऑल्सो अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन कि डिले बहुत ज्यादा होता है ये अभी थोड़ा सा चैलेंजेस यहाँ पर बने हुए हैं तो मैंने आपको पोक्सो एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया गया तो यहाँ पर यही है कि ए रिसेंट जजमेंट हाईलाइट द नीड टू रिकन्सिडर पोक्सो एप्सुलटिस्ट अप्रोच टू एडोलोसेंट है अभी यहां पर क्या है एक मद्रास की हाई कोर्ट ने रिसेंटली अलाउड ए पिटिशन सिकिंग टू क्वेस ए केस ऑफ किडनैप एग्रीगेटेड पैनिटेटिव सेक्शुअल असोल्ट एंड एग्रीगेटिव सेक्शुअल असोल्ट ऑफ ए माइनर इस पर क्या है एग्रिगेटिव पेनेटेटिव सेक्शुअल असोल्ट अंडर द पोक्सो एक्ट जो मैंने अभी बताया इज इक्वलेंट प्रोविजन फॉर एग्रीगेटेड रेप की तरह वो माना जाएगा यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर पोक्सो के अंदर ये बोला जाता है कि अगर कॉन्सेंट होती है अंडर द एज ऑफ एटीन फिर भी वो इरेलीवेंट है दिस मीन्स डैट एनी सेक्स विथ माइनर इज रेप वो रेप कहलाएगा तो कहने का मतलब यहाँ पर ये यह बोला जा रहा है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है बट पोक्सो कि आपको प्रोविज़न पता होने चाहिए ठीक है यहाँ पर क्योंकि ऐसे एडिटोरियल हमेशा पूरे साल भर में पब्लिश होते रहते हैं कि हाँ ये चेंजेस होने चाहिए ये चेंजेस होने चाहिए बट आपको यहाँ पर पोक्सो के बारे में पता होना चाहिए कि पोक्सो का रिसेंट प्रोविज़न क्या है 2019 में क्या बदलाव किए गए वो मैंने आपको डिटेल में पूरा बता दिया है राइट उसके बाद नेक्स्ट है क्वाड की मीटिंग होती है क्वाड में हमेशा लगातार कराते आया हूँ कल आपने बता भी दिया था ठीक है कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं बस आपका क्वेश्चन भी हो गया ये सब चीज़ें होंगी बट क्वाड की पहली मीटिंग में क्या क्या हुई ये चीज़ें हम कर चुके हैं बट आज थोड़ा सा और ज़्यादा रिफाइन करके पढ़ लेते हैं पहले तो ये हुआ कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उस पर और ज़्यादा डिबेट हुई ठीक है दूसरा यहाँ पर ये बोला गया कि चाइना के टुआड सभी लोग एक परफेक्ट अप्रोच बना के चलेंगे हालांकि फॉर्मल लेटर में कहीं पर भी सी वर्ड का यूज नहीं किया गया ठीक है द सी वर्ड इन द डॉक्यूमेंट चाइना वर्ड का यूज ही नहीं किया गया ठीक है जनरली चाइना का जो इतना डोमिनेटिंग नेचर है साउथ चाइना सी में दूसरे मैनी टाइम उसके लिए एक परफेक्ट अप्रोच हम चुनेंगे ऐसा चारों कंट्री ने डिसाइड किया यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक रीजन की बगल वाली कंट्रीज है ना आसपास की कंट्रीज हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया है पैसिफिक आइलैंड वाली कंट्री इंडियन ओशन रीजन वाली कंट्री उनको ये ट्रस्ट दिलवाया कि हमारा जो क्वाड ग्रुप है वो आपके लिए एक सॉल्यूशन क्रिएट करे कमिटेड टू सॉल्यूशन फॉर देयर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ये तीसरा ये है कि हम इन कंट्रीज़ को भी ट्रस्ट दिलवाएंगे चौथा तो ये आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज वैक्सीन पार्टनर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में काम करेंगे कम्युनिकेशन में काम करेंगे ठीक है पांचवा उन्होंने क्या बात की गई कि बार मार्च को जो सबमिट हुई वो लास्ट सबमिट नहीं थी उसके बाद एंड टू एंड भी हम मिलेंगे ठीक है तो ये वाली बातें भी की गई हालांकि अभी चाइना डायरेक्टली ही टारगेट कर रहा है नई दिल्ली को कि आपने डायरेक्टली ये हमारे अगेंड ये प्रोपोगंडा चलाया है और दूसरा जो एस सी ओ संघाई कोपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स है जिसमें चाइना और इंडिया है और ये बार बार चाइना ये असेर्ट करने की कोशिश कर रही है क्लेम कर रही है कि ये जो इंडिया है नेगेटिव एसेट है ब्रिक्स और एस के लिए ठीक है क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा अलाइन हो चुका है यू एस वेस्टर्न कंट्रीज से राइट उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला जो ओपेड पेज का आर्टिकल है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लिखा है जो है। कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने यही बताया कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है किसी से लिखवाया है उन्होंने ठीक है अगर आप उनके इंटरव्यू देखेंगे ठीक है तो वो बिल्कुल भी कोई चीज़ का आंसर नहीं कर पाते हैं ठीक है थीके? हमारे देखिए अगर हम सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम बोल सकते हैं ऐसा ठीक है बट जब आप सिस्टम में जाओगे इम्प्रूव क्या करने हैं आपको प्रॉब्लम पता है प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे आप सॉल्यूशन लाओगे रमेश पोखरियाल निशंक जी के आप इंटरव्यू देखना उत्तराखंड से हैं ये ठीक है तो पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा हालांकि उन्होंने जो बोला होगा किसी और ने ये लिखा है ठीक है बट देखिए क्या है ये हम ज़्यादा इसको आ, उस पर बाइस्ड नहीं जाएँगे बट इन्होंने क्या लिख रखा है और क्या इससे पॉइंट हम एक्स्ट्रेक्ट कर सकते हैं अपने बेसिस पर कोविड नाइन्टीन के दौरान बहुत सारी कंट्री आती रहती हैं और सभी डेवलपडिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या क्या किया उसमें भारत ने क्या क्या किया वो पूरा इसमें मैंशन है इससे पहले भी आ, पोलियो के लिए हमने औरल वैक्सीनेशन इम्यूनिटी प्रोग्राम चलाया था और उसके बेसिस पर इंडिया पोलियो फ्री दो हज़ार चौ चौदह तक हो गया भारत ने अभी पोस्ट कोविड नाइन्टीन के दौरान बहुत सारी चीज़ें की और जिसमें हमने डेवलप्ड नेशन के लिए तो पता ही है वैक्सीन डेवलप कर रही हैं बट डेवलपिंग नेशन के लिए ठीक है बहुत पीछे रह जाती उस पर भारत ने वैक्सीन डेवलप की और ह्यूमटेरियन ह्यूमेटेरियन क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता अगर डेवलपिंग कंट्रीज वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाती तो बट यहाँ पर यह बोला जाता है कि आई एम प्राउड दैट आवर इनिशिएटिव अपने बेसिस पर ये आर्टिकल लिखा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ गर्वान्वित हूँ कि ये इनिशिएटिव लिया भारत सरकार ने और इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाया गया ठीक है इंडिया ने भारत अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ को भी यहाँ पर जो वैक्सीन दी ठीक है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी हमने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर बोला गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिसर्च uh, फाउंडेशन पर बात की जा रही है कि पचास हज़ार करोड़ रुपए भी आउटलेट किए गए हैं अगले पाँच साल के लिए ताकि रिसर्च फाउंडेशन में अच्छे से काम हो सके राइट सेंटर ये चाह रही है कि एयर बबल पैक्ट हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करें एयर बबल पैक्ट होता क्या है बहुत सिंपल है एयर बबल स्कीम में कॉमर्शियल एयरलाइन जो होती हैं स्पेशल कंट्रीज़ के साथ अलाउ की जाती हैं कि आप लिमिटेड बेसिस में हमारी कंट्रीज से आपकी कंट्रीज़ में कॉमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं वो अलाउ करेंगे ऐसा हमें कब देखने को मिला जब कोविड नाइन्टीन चल रहा था ना तो हम वंदे भारत मिशन के अंदर जो हमारे लोग फंसे थे दूसरे कंट्रीज़ में हम एयर बबल पैक्ट के बेसिस पर उनको भारत लेके आए बट अभी तो कोविड नाइन्टीन खत्म हो चुका है अब ज़रूरत है उनको जॉब्स की तो सिंपल सी बात है एयर बबल पैक्ट अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में ताकि हमारे लोग जो हैं हम उनको छोड़ के आएँ उन सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में ठीक है ताकि वहाँ पर वो लोग जो जॉब कर रहे थे और अचानक से उनको आना पड़ा फिर से उनको जॉब लग जाए तो उसी को कहते हैं एयर बबल ठीक है देखिए मैं कहूँगा एक तरीका हो सकता है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कम करने का वो जीएसटी के अंदर लापाना सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ अभी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आता जीएसटी के अंदर आता तो अभी श्योरली कम होते अगर आप देखेंगे हम दूसरी कंट्री से मंगाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं पेट्रोल के प्राइसेस जो तेतीस रुपये पड़ती है हमारी सरकार को ठीक है पूरा हर चीज़ करके फिर उसके बाद सेंटर अपना टैक्स लगाते तेतीस रुपये अलग फिर हर एक स्टेट अपना वेट लगाती है तो और देखो पड़ता एक्चुअल में सरकार को तेतीस रुपये बट सेंटर अपना अलग लगाएगी स्टेट अपना अलग लगाएगी और वो सौ रुपये से ज़्यादा हो जाता है ठीक है तो अगर ये जी के अंदर होता तो ये तेतीस सेंटर और स्टेट अपने अलग अलग, अलग टैक्स नहीं लगाती एक ही टैक्स लगता फिर ठीक है तो बट अभी यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी कह रही हैं अभी तो कोई चांसेस नहीं है कि हम पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाएंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर 2000 नोट्स को 2019 से नहीं प्रिंट किया गया ठीक है पब्लिक की फैसिलिटी के लिए अच्छे से पब्लिक वो कर पाए 2000 के नोट लेके जाओगे आपको कोई खुले नहीं देता ठीक है हालांकि यहाँ पर फाइनेंस स्टेट का फाइनेंस जो मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी उन्होंने ये बोला कि हाँ जो वॉल्यूम और वैल्यू के टर्म्स में दो में थ्री 0.27 परसेंट था और 37.26 परसेंट था वैल्यू के बेसिस पे तो मतलब ठीक ठाक सर्कुलेशन है दो हज़ार नोट्स ख़त्म नहीं हुए हैं अभी ठीक है अच्छा सर्कुलेशन चल रहा है बाकी जो है जो बैंक ऐसा नहीं किया हम खुद ही छाप नहीं रहे हैं बाकी जो डिनोमिनेशन है दो हज़ार का सरकार ने डिसाइड किया है आर को कंसल्ट करके ठीक है ताकि पब्लिक जो अच्छे से ट्रांजेक्शन कर पाए आ, दूसरा नेशनल इंपोर्टेंस का टैग दे दिया गया हरियाणा और तमिलनाडु के इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पोर्टेंस का टैग देने का मतलब ये होता है फिर बहुत सारी चीज़ें फिर उसको इस तरह से बनाया जाता है उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया जाता है उसको इसलिए काम भी किया जाता है कि आ, नेशनल इंपोर्टेंस का टैग दे उ, उन इंस्टीट्यूट में जो वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं वो फॉलो किए जाते हैं ठीक है अभी एक बिल लाया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रनोरशिप बिल जिसमें स्टेटस दिया गया था दो फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को हरियाणा में कुंडली को और तमिलनाडु में थंजुवर को ठीक है उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है इंडिया के जो आर्म्स इंपोर्ट हैं वो तैतीस परसेंट तक कम हुए अब ऐसा क्यों 2011 से 2016 के बीच में जब सिप्री ने किया था स्विडिश थिंक टैंक है सिप्री स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये सिप्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में नोट्स अभी मैं कराऊंगा तो इसने बोला कि यार इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट जो कम हुए हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है ऐसा नहीं कि भारत ने खुद कम किए हो इसका पीछे एक रीज़न है कि जो लेंदी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होती हैं कभी कभी तीन चार साल लग जाते हैं किसी एक वेपन को इम्पोर्ट करने में तो ये एक रीज़न रहा है बाकी रशिया जो है लार्जेस्ट आर्म सप्लायर था दोनों ही सालों में ठीक है सेकेंड और थर्ड जो है फ्रांस हैं इसराइल हैं पहला है रशिया दूसरा है फ्रांस और तीसरा है इसराइल ठीक है यहाँ से भी हमने अभी इम्पोर्ट करना शुरू किया है यूएस वॉज द यूएस पहले था सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर ठीक है 2011 में बट 2016-2020 में चेंज हुआ फ्रांस और इसराइल सेकंड और थर्ड पहला रशिया दूसरा फ्रांस तीसरा इसराइल ये लिस्ट आप याद रखना ठीक है तो ये अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं बट अभी इंपोर्ट कम हुए हैं सिप्री ने ऐसा बोला है तो सिप्री को मैं अभी पढ़ाता हूँ आप लोगों को अबाउट सिपरी सिप्री के बारे में एक क्वेश्चन में आना बहुत हद तक जाहिर है सिप्री एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है कॉन्फ्लिक्ट आर्मेंट्स आर्म कंट्रोल और डिसआर्मेंट को देखता है 1966 में बनी थी सिप्री एक डाटा प्रोवाइड करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में किसके पास कितने वेपन्स हैं अगर कोई बोले ना किस कंट्री के पास कितने वेपन हैं तो उसके बारे में खोज परख करती है सिप्री ठीक है तो बेस्ड इन द स्टॉक होम सिपरी इज रेगुलरली रेंग अमंग द मोस्ट रिस्पेक्टेड थिंक टैंक वर्ल्ड वाइड विजन यही है कि यार सबसे पहले वेपन्स को देखना और पीस क्रिएट करना सिप्री का मिशन यही है सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट पीस रिकमेंडेशन देना डायलॉग और बिल्ड कैपेसिटीज़ अब थोड़ा सा सिपरी प्रिलिम्स फैक्ट फॉर यूपीएससी सिपरी एयरबुक 2020 में रिप्रेजेंट किया था एक ओरिजिनल डाटा वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंटरनेशनल आर्म टर्नस पर आर्म प्रोडक्शन न्यूक्लियर फोर्सेस अगर कभी भी बात आई ना आर्म कंट्रोल की वेपन बेचे जा रहे हैं ख़रीदे जा रहे हैं तो उसके पीछे पूरी जो डाटा मॉनिटर कौन करता है सिपरी करती है ये चीज़ याद रखना ठीक है उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ बताता हूँ नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोला कि यार क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है अब हुआ क्या था गुजरात और राजस्थान में उनका नेचुरल हैबिटाट है बट क्या होता है कभी कभी आप सबको पता है ऐसी तारें ऊपर से पावर केबल्स ऊपर से जाती हैं तो करंट से बहुत सारी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मर गई तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यार क्या हम अंडरग्राउंड नहीं बना सकते क्या केबल यहाँ पर या कोई ऐसा बर्ड रिफ्लेक्टर हम नहीं लगा सकते ठीक है या लगाना चाहिए ये ऐसा बोला तो ये तो ठीक है ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला पर बैकेंड में हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पता होना चाहिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज़ में क्यों रहा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज़ लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ टॉप टेन माइग्रेटरी स्पीसीज फेसिंग एक्सटेंशन अंडर द यू एन ई पी कन्वेंशन अब जैसा मैंने बोला कि मैं सिर्फ आपको एक ही दिन की न्यूज़ नहीं बताता अगर मैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक साल की न्यूज़ के अंदर जो भी चीज़ आई थी वो बता रहा हूँ कि टॉप टेन माइग्रेटरी स्पीसीज में डाला जा रहा है जिसका एक्सटेंशन हो रहा है थीम है सी ओ पी थर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी की कॉन्फ्रेंस ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लानट वी वेलकम दैम होम एंड इट्स मास्कोट इज द जो मास्कोट है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था ठीक है सी ओ पी थर्टीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी सी एम एस का माइग्रेटरी स्पीसीज पर ठीक है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज की जो 2020 की थीम थी वो याद रख लेना मैस्कॉट याद रख लेना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है मैस्कॉट का मतलब क्या होता है जब भी आप सबको कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ना मैस्कॉट होता है एक कि ये हमारे लिए खुशी लाएगा या अच्छा प्रतीक है ये तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी का ये था बर्ड के बारे में बता देता हूँ हैवियस्ट फ्लाइंग बर्ड है एंडेमिक है इंडियन सब की प्राइमरीली टेरिस्ट्रियल बर्ड है ठीक है जमीन में रहती है ये अंडे देती है एक दो साल में सक्सेस रेट अंडों का साठी से सत्तर प्रतिशत तक है और रेट हैज़ बिन रिड्यूस टू फोर्टी फिफ्टी परसेंट ड्यू टू द प्रीडेटर जैसे फॉक्स और डॉग्स खा देते हैं कभी कभी ठीक है बाकी बा, जैसलमेर इंडियन आर्मी कंट्रोल फील्ड पोखरान राजस्थान में ये देखने को मिलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ जहाँ पर इनको प्रोटेक्ट किया जाता है राजस्थान आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में थ्रेड क्या है कॉलेजन है ये ही है देखो कॉलेजन विथ पावर ट्रांसमिशन लाइन्स जो मैंने थ्रेड लिखा है ना वही चीज़ आज के न्यूज़ में मेंशन में है इरिगेशन फार्मिंग टेक्नोलॉजी माइनिंग करना विंड टर्बाइन से अटक जाते हैं कभी कभी ठीक है तो ये चीज़ होती है कंजर्वेशन स्टेटस 1994 में भी किया था इंडेंजर्ड स्पीसीज में अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है ये ठीक है अब आ जाते हैं वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर वही है कि यार चाइना के जो फॉरन मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज़ किया है क्वाड ग्रुप को कि यार ये अभी इंटरनेशनल ऑर्डर जो है डैमेज कर सकते हैं कि आप मिल चाइना को क्या कर रहे हैं टारगेट कर रहे हैं हालांकि उन्होंने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने नाम नहीं लिया है कि कौन कौन थे ठीक है बाकी वर्ल्ड लेवल पर हमारे कुछ काम का नहीं है आ, कि श्रीलंका में बुरखा बैन कर दिया गया तो पाकिस्तान कंसर्न रेज कर रही है इंडिया के रिस्पेक्ट से कोई काम का नहीं है बिजनेस न्यूज़ में हमारा वही है डब्लू इन्फ्लेशन आप मेरे को बताओ कल मैंने पढ़ाया था मापी कैसे जाती है डब्लू और सी में एक डिफरेंस बताओ आज का एंड कोड यही है कि डब्ल्यू और सी में क्या डिफरेंस है चलिए एंड कोड हम रखते हैं फेंटा एफ ए एन टी ए फेंटा ठीक है यहाँ पर फेंटा की बोतल रखी गई है एंड कोड है फेंटा आंसर भी आपको देना है बाकी जिसने सी सेट का कोर्स नहीं लिया सी सेट का कोर्स आपको 2021 के लिए या 2022 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिलेगा थैंक यू